क्या भविष्य के युद्ध स्टार वार जैसी फिल्मों में दिखाए जाने वाले युद्धों की तरह होंगे? क्या भविष्य के युद्ध में मिसाइलों की जगह ऐसी हथियारे ले लेंगे जो दिखाई भी नहीं देंगे मगर तबाही मचाने में मिसाइलों से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली होंगी? DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हाई एनर्जी लेजर और हाई पावर माइक्रोवेव पर आधारित हथियारों का निर्माण कर रहा है। आज के इस वीडियो में हम DRDO द्वारा बनाए जा रहे भविष्य के कुछ हथियारों के बारे में जानेंगे जो अपने समय के हिसाब से काफी उन्नत होंगे। तो आपसे विनती है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैंने जिस हथियार के बारे में बताया है सच में वह हथियार काफी एडवांस माना जा रहा है। DRDO जिस हाई एनर्जी लेजर और हाई पावर माइक्रोवेव पर आधारित हथियारों का निर्माण कर रहा है उसे हाई एनर्जी वेपन या डायरेक्ट एनर्जी वेपन भी कहा जाता है। DRDO के हथियार बनाने के इस नेशनल प्लान में शॉर्ट मीडियम और लॉन्ग टर्म्स के लिए लक्ष्य तय किए जाएंगे। DRDO की कोशिश होगी कि घरेलू इंडस्ट्री के साथ मिलकर 100 किलोवाट क्षमता तक के डायरेक्ट एनर्जी वेपन डेवलप किया जा सके। DRDO ने अब तक 2 एंटी ड्रोन डायरेक्ट एनर्जी सिस्टम विकसित किए हैं जिनको इंडस्ट्री के मदद से बड़ी संख्या में उत्पादन किया जाएगा, जिसमें से एक ट्रेलर माउंटेड डायरेक्ट एनर्जी वेपन है जो 10 किलोवाट लेजर 2 किलोमीटर की रेंज में एरियल टारगेट को इंगेज करने की क्षमता रखेगा। इसमें दूसरा एक कॉम्पैक्ट ट्राइपॉड माउंटेड है जिसमें 2 किलोवाट लेजर 1 किलोमीटर के रेंज में टारगेट को इंगेज कर सकता है। इन दोनों हथियारों को सेना के अधिकारियों और खुफिया एजेंसियों के सामने प्रदर्शित भी किया जा चुका है। इन हथियारों की मदद से माइक्रो ड्रोन्स को जैम करने के अलावा उनके इलेक्ट्रॉनिक्स को भी जैम किया जा सकता है। दोस्तों, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये स्वदेशी हथियार US, रूस, चीन, जर्मनी और इजराइल की तुलना में अभी बेहद ही मामूली है, लेकिन भारत के भविष्य की जरूरत को देखते हुए DRDO ने अगले 10 साल का प्लान तैयार किया हुआ है। पहले फेज में ऐसे हथियारों की रेंज को 6 से 8 किलोमीटर फिर दूसरे फेज में 20 किलोमीटर तक बढ़ाने की तैयारी है। अमेरिका ने कई साल पहले एक जंगी जहाज से 33 किलोवाट लेजर के जरिए ड्रोन्स को टारगेट किया था। अमेरिका अगले 4 से 5 सालों में 300 से 500 किलोवाट के डायरेक्ट एनर्जी वेपन अपने सेना में तैनात कर सकता है जो क्रूज मिसाइल को भी उड़ाने में सक्षम होगा। DRDO का जो अगला लक्ष्य है वह रेलगन को विकसित करना। भारत के दुश्मन तब हैरान हो गए जब DRDO ने कहा था कि हम रेलगन बनाने में सक्षम हैं। रेलगन कितना खतरनाक होता है आप इसी बात से अंदाजा लगा लो कि अगर रेलगन को सिर्फ 1 घंटा चला दिया जाए तो इसकी नली गल जाती है। आप इसी बात से अंदाजा लगा लो कि यह हथियार कितनी घातक और कितनी खतरनाक होगी। दोस्तों, रेल गन के बारे में आपको विस्तार से जानना है तो मैंने आपके लिए पहले ही इस पर एक अलग से वीडियो बना दिया है, आप उस वीडियो को जरूर देखें। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है या फिर वीडियो के लास्ट में स्क्रीन पर ही वह वीडियो दिख जाएगा। भविष्य के युद्ध के तैयारियों के लिहाज से रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन हाइपरसोनिक हथियार और मिसाइल बनाने में जुट गया है। दिन प्रतिदिन अधिक महत्वपूर्ण होती जा रही हाइपरसोनिक मिसाइलों की गति ध्वनि से 5 गुना अधिक यानी 5 मैक या उससे अधिक की होती है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मिसाइलों की गति को मैक से प्रदर्शित करते हैं, जैसे हम बाइक, कार या ट्रेन की गति को किलोमीटर में प्रदर्शित करते हैं। 1 मैक की गति का मतलब ध्वनि की गति के बराबर चाल है। 5वीं पीढ़ी का हथियार माना जा रहा हाइपरसोनिक मिसाइल 1 सेकंड में 1 मील से ज्यादा दूरी तय करती है। यह मिसाइल कितनी खतरनाक होगी आप इसी बात से अंदाजा लगा लो कि 1 सेकंड में 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है यह मिसाइल। दोस्तों, DRDO के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक ने कहा कि हाइपरसोनिक मिसाइल के परीक्षण के लिए एक विंड टनल बनाया जा रहा है। माना जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जल्द ही इसका उद्घाटन करेंगे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि DRDO 3 कारणों से हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहा है। सबसे बड़ा और पहला कारण यह है कि यह मिसाइल बड़े ही आसानी से मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर लक्ष्य को ध्वस्त कर सकता है। दूसरा कारण यह है कि इसके जरिए लंबी दूरी तक परमाणु और परंपरागत वारहेड भेजे जा सकते हैं। तीसरा, इन मिसाइलों को मार गिराना या पीछा करना करीब करीब नामुमकिन है। आप समझ सकते हैं कि अगर यह मिसाइल भारत के बेड़े में शामिल हुआ तो भारत के इस मिसाइल को दुनिया का कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं रोक सकता, क्योंकि अभी तक कोई डिफेंस सिस्टम बना ही नहीं जो हाइपरसोनिक मिसाइल को रोक सके। दोस्तों, आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि जब भारत इस मिसाइल को बनाने में लगा हुआ है तो दुनिया के और ऐसे देश जरूर होंगे जिनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल जरूर होगी। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया के मुताबिक चीन ने हाल ही में अपने पास हाइपरसोनिक मिसाइल होने का दावा किया था। माना जा रहा है कि अमेरिका के पास भी इस तरह की मिसाइलें पहले से मौजूद हैं। विशेषज्ञों की माने तो रूस के पास भी यह मिसाइल हो सकती है।
ये तीनों ही देश तरह तरह की हाइपरसोनिक मिसाइलों का परीक्षण करने में जुटी हुई हैं, ताकि खुद को सैन्य लिहाज से मजबूत बनाया जा सके। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया के अनुसार अब समय आ गया है कि भारत भी अब इस तरह के मिसाइलों के विकास पर काम शुरू कर दे। उनके मुताबिक भविष्य के युद्ध में हाइपरसोनिक मिसाइलों की बड़ी भूमिका होगी। दोस्तों, यही वजह है कि कुछ ही सालों में DRDO भारत के लिए हाइपरसोनिक मिसाइल को बनाकर तैयार कर लेगा। दोस्तों, जब बात हो रही हो DRDO द्वारा बनाए जा रहे भविष्य के हथियारों के बारे में, तो हम अग्नि 6 को कैसे भूल सकते हैं। DRDO पिछले कई सालों से अग्नि 6 पर काम कर रहा है। कई लोगों का तो कहना है कि भारत ने अग्नि 6 को बनाकर तैयार भी कर लिया है, मगर उसका टेस्ट नहीं कर रहा है। मैंने अग्नि 6 के ऊपर अभी कुछ ही दिन पहले वीडियो बना दिया है, जिसमें मैंने बताया है कि क्या सच में DRDO ने अग्नि 6 को बनाकर तैयार कर लिया है, और क्या वजह है जिस कारण DRDO अग्नि 6 का टेस्ट नहीं कर रहा है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आप उस लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर वह वीडियो इस वीडियो के लास्ट में स्क्रीन पर ही दिख जाएगी। फिलहाल जिनको नहीं पता कि अग्नि 6 मिसाइल की खूबियाँ व क्षमता क्या होंगी, तो मैं उनको बता दूं कि अग्नि 6 एक ICBM मिसाइल के साथ साथ MIRB कैपेसिटी वाला मिसाइल है। ICBM उस मिसाइल को कहा जाता है जो मिसाइल एक द्वीप से दूसरे द्वीप पर हमला करने की क्षमता रखती है, और MIRB कैपेसिटी वाला मिसाइल उसे कहा जाता है जो एक मिसाइल होते हुए भी 4 या 4 से अधिक टारगेट पर हमला करने में सक्षम होता है। अग्नि 6 की रेंज की बात करें तो अग्नि 6 की रेंज 8,000 किलोमीटर तक बताई जाती है, जबकि यह मिसाइल अपने साथ परमाणु वारहेड ले जाने में भी सक्षम है। और यही सब वजह है जिसके कारण चीन टेंशन में आ जाता है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी BARC और DRDO दोनों ने मिलकर भारत के लिए सबसे शक्तिशाली काली हथियार का निर्माण किया है। यह एक बेहद सीक्रेट मिशन है जिसके बारे में ज्यादा जानकारियां बाहर नहीं आई है। भारत का यह सीक्रेट हथियार प्रोजेक्ट इतना गुप्त और अहम है कि तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने राष्ट्र हित का हवाला देकर लोकसभा तक में इससे संबंधित कुछ भी जानकारी देने तक से साफ इनकार कर दिया था। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने इस प्रश्न के उत्तर में कहा था कि जो जानकारी मांगी गई है वह संवेदनशील है, और इस जानकारी का खुलासा देश की सुरक्षा के हित में नहीं है। रक्षा मंत्री के इस बयान से स्पष्ट हो जाता है कि काली 5000 पर लगातार काम चल रहा है, और इसके बारे में सरकार कोई भी जानकारी सार्वजनिक नहीं कर सकती है। भारत के गुप्त हथियार काली से पाकिस्तान कितना खौफजदा रहता है, यह इस वाक्य से साबित हो जाता है। दरअसल 5 अप्रैल 2012 में पाकिस्तान के कब्जे वाले सियाचिन के 11 सेक्टर में भयानक बर्फबारी तूफान आया था, और वहां ग्लेशियर का एक बहुत बड़ा हिस्सा गिर गया था, जिसमें पाकिस्तानी आर्मी का बेस कैंप पूरी तरह तबाह हो गया था, और उसके करीब 140 सैनिक भी मारे गए थे। जिसके बाद पाकिस्तान में यह आरोप लगाया गया कि भारत ने टेस्टिंग के तौर पर ग्लेशियर को पिघलाने के लिए अपने सीक्रेट हथियार काली का इस्तेमाल किया है। लेकिन पाकिस्तान का यह डर फिजूल था, क्योंकि काली लेजर बीम नहीं बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा करता है, जो बर्फ नहीं पिघला सकती बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों को जाम कर देती है। लेकिन पाकिस्तान को यह बात कहां समझ में आने वाली थी। वहां आज भी काली का नाम सुनते ही उनके मन में खौफ पैदा हो जाता है। दोस्तों, काली 5000 एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाया जा सकता है। अगर आपको काली पर विस्तार पूर्वक वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। दोस्तों, DRDO द्वारा बनाया जा रहा यह हथियार हाइपरसोनिक मिसाइल को भी रोक सकता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दुनिया में अभी तक ऐसा कोई भी डिफेंस सिस्टम बनकर तैयार नहीं हुआ है जो हाइपरसोनिक मिसाइल को रोक सके, मगर DRDO द्वारा बनाया जा रहा यह हथियार हाइपरसोनिक मिसाइल को भी रोक सकने में सक्षम होगा। दोस्तों, साल 2020 में बहुत सारी घटनाएं हुई, मगर एक घटना ऐसी हुई जिसे भारत यह समझ गया कि भारत का नंबर वन दुश्मन पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन है, और उसके हथियारों का जवाब देने के लिए भारत का अपनी तकनीक और हथियारों को डेवलप करना जरूरी होगा। ऐसे में दोस्तों, चीन और रूस का गठबंधन भारत के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि रूस चीन को अपना सबसे घातक हथियार S-400 दे चुका है, और शायद आने वाले समय में S-500 भी चीन को दे सकता है। इसके अलावा चीन खुद भी अपने पास हाइपरसोनिक मिसाइल होने का दावा करता है। ऐसे में भारत के लिए चीन के इस मिसाइलों को रोक पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, खास करके चीन के हाइपरसोनिक मिसाइल को, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल को रोकने की तकनीक अभी दुनिया के पास मौजूद ही नहीं है। इसके अलावा चीन का S-400 या फिर 2 या 3 सालों बाद S-500 को रूस बनाकर चीन को दे देगा, तब भारत को इन हथियारों को रोक पाना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि हम सबको पता है कि S-400 कितना घातक हथियार है, जबकि S-500 चीन के पास आ गया तो इसकी बात ही अलग है। लेकिन कहा जाता है ना कि हम भारतीय जुगाड़ में दुनिया में सबसे आगे हैं। भारत ने अभी इसका एक तोड़ ढूंढ निकाला है। भारत ने स्वार्म ड्रोन बनाने का ऐलान करके दुनिया को चौंका दिया है। दरअसल स्वार्म ड्रोन झुंड में चलने वाले ड्रोन्स होते हैं।
एक झुंड में ड्रोन्स की संख्या 20, 100 या 1000 तक या इससे भी ज्यादा हो सकती है। भारत जिन स्वार्म ड्रोन को बनाने जा रहा है वह एक आत्मघाती ड्रोन होंगे, यानी यह टारगेट पर गिरकर खुद को ब्लास्ट कर देंगे और साथ ही टारगेट को भी नष्ट कर देंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि चाहे जितना भी अच्छा डिफेंस सिस्टम हो उसमें कुछ ना कुछ तो कमी होती ही है। भारत ने भी डिफेंस सिस्टम की कमियों को जाना और उन्हें चकमा देने के लिए स्वार्म ड्रोन बनाने वाला है। दरअसल डिफेंस सिस्टम 1, 2, 10 या 20 टारगेट को ही हिट कर सकते हैं। हमारा स्वार्म ड्रोन अगर 100 की तादाद में दुश्मन के क्षेत्र में घुस जाए और दुश्मन का डिफेंस सिस्टम उन्हें डिटेक्ट भी कर दे, तब भी वह डिफेंस सिस्टम ज्यादा से ज्यादा 20 ड्रोन को ही मार गिराएगा। बचे हुए 80 ड्रोन डिफेंस सिस्टम के उस मोबाइल ट्रक तक पहुंचकर उसे उड़ा ही देंगे। और यही है भारत का स्वार्म ड्रोन। डिफेंस सिस्टम तो क्या, हाइपरसोनिक मिसाइल को भी मार गिरा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि स्वार्म ड्रोन आखिर हाइपरसोनिक मिसाइल को कैसे मार गिरा सकता है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हाइपरसोनिक मिसाइल को डिटेक्ट तो किया जा सकता है, मगर उसे मिसाइल द्वारा मार गिराया नहीं जा सकता, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल की रफ्तार इतनी होती है कि एक आम मिसाइल उसका पीछा भी नहीं कर सकता। मगर स्वार्म ड्रोन से हाइपरसोनिक हथियारों को मार गिराया जा सकता है। इसके लिए हजारों की संख्या में स्वार्म ड्रोन को हाइपरसोनिक मिसाइल के रास्ते पर लगाना होगा। यह मिसाइल भले ही 1, 10, 20 या 100 ड्रोन से बच जाए, मगर हजारों ड्रोन से नहीं बच सकता। उसको किसी न किसी ड्रोन से टकराना ही होगा और उसको ब्लास्ट करना ही होगा। दोस्तों भारत ने इस हथियार को जल्द से जल्द बनाने का आदेश दे दिया है। इस हथियार के बनने के बाद इसे भारत के जगुआर लड़ाकू विमान में इंटीग्रेट भी कर दिया जाएगा। आशा है दोस्तों यह वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि इसमें से सबसे घातक हथियार आपको कौन सी लगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल सेलेक्ट कर लें, ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाएं ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।